प्रतापगढ़ के शिवगढ़ ब्लॉक में सरकारी दफ्तरों में अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते और फरियादी प्रदीप तिवारी का कहना है कि अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते, जिसके कारण फरियादियों को निराश होकर लौटना पड़ता है। इस कारण उनका घर गिर गया है और उसे शौचालय भी नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बोर्ड पर और गेट पर लिख दिया जाता है जनता से मिलने का समय 9 बजे से 12 बजे तक, लेकिन जब अधिकारी 9-2-11 हो जाए तो जनता से कौन मिलेगा। हम लाइटिंग बनवाने के लिए आए थे, बार बार दौड़ रहे हैं, लाइटिंग बना नहीं रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। प्रधान बोलता है कि हमारे पास नहीं है, जब लिस्ट नाम आएगा तो आपको देंगे। तो आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार तिवारी है। प्रदीप कुमार तिवारी, यहाँ पे ना एडीओ पंचायत है ना बीडीओ है। अब ये लोग डेली नहीं आते, लेट आते हैं, चक्कर लगवाते हैं, बार बार दौड़ो। कितने बजे आते हैं? 10:30 कभी आए, कभी 11 आए, कभी 12 आए, कभी आएंगे ही नहीं। तो कैसे गरीबों की समस्या का समाधान होगा जब अधिकारी आएंगे नहीं? कुछ नहीं, यहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा है। हमारा घर गिर गया है, अगले बारिश में 6 महीने दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा घर गिर गया, बोले कॉलोनी देंगे, लिस्ट नाम है, आज तक न लिस्ट आया न कोई कॉलोनी मिली। घर हमारा गिरा है और लेखपाल भी गया, सब जांच भी किया, लेकिन अब भी कोई हमको वो नहीं है। सब ये लोग सब कागज पे काम कर रहे हैं।